हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवली की रसोई स्वादिष्ट व्यंजन। तो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं शिमला मिर्च भरवा बनाएंगे। तो शिमला मिर्च भरवा की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत इजीली बनकर के तैयार हो जाती है। तो ये पूरी पराठा नान से सभी से टेस्टी लगती है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं और हमारे साथ एंड तक रहिएगा प्लीज़। तो इधर मैंने ले लिया है शिमला मिर्ची। तो ये 400 ग्राम लगभग शिमला मिर्ची मैंने ली है और ये मीडियम आकार के लिए है, धो के पोंछ के तैयार कर ली। तो चलिए, इसको हम ऊपर से थोड़ा सा काट लेते हैं। तो ऊपर का पार्ट जो इसका हटा देंगे और मिर्ची को अंदर से हम खाली कर लेंगे, ताकि ये आसानी से, जब हम लोग स्टफिंग भरें इसमें, तो आसानी से भर जाए। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से अंदर का जितना भी इसका पल्प है और बीज है, सभी हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अंदर से मैंने खाली कर ली, तो सभी मिर्ची मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है। तो जो मिर्ची के अंदर का बीज वगैरह निकला है ना, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम स्टफिंग में तैयार करेंगे इसको भी। तो चलिए, इसको छोटा छोटा सा हम काट लेते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे हम इसको। और इधर मैंने छोटा करके तैयार कर लिया है। तो चलिए, इधर लिया है फ्रेंड आलू और मिर्ची प्याज। तो इसको हटा देते हैं किनारे और आलू को हम मैश कर लेते हैं। तो हाथों से छोटा छोटा करके हम मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना है। तो इधर ये आलू मेरा तैयार हो गया हमारा। तो चलिए, अब बना लेते हैं आलू मसाला। तो इधर मैंने गैस पे पैन रख दिया और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो एक चम्मच से ही हम स्टफिंग तैयार करेंगे। और क्योंकि हमको तेल में फ्राई भी करनी है मिर्ची, इसलिए मसाले में कम डालेंगे। तो इसमें डाल दिया एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच ले लेते हैं सौंफ। तो सौंफ की जगह अगर पाउडर है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेवर सेम होता है, खड़ी रखें या पाउडर डालें। उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको बारीक काटा था, तो उसको भी हम डाल देते हैं। और दो मिर्ची को बारीक काट लिया था, उसको भी डाल दिया मैंने। अब चलिए, इसको भून लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम भूनेंगे और थोड़ा सा सुनहरा कलर होने तक इसको हम भूनते हैं। तो चलिए, इस तरह से भुन गया। अब जो मैंने बीज वगैरह लिया था मिर्ची का, वो मैंने फेंका नहीं था, उसको भी हम इसी में डाल देते हैं और इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। तो ये अच्छे से मसाला बनकर के तैयार हुआ। अब चलिए, इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो एक आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच लिया है मैंने गर्म मसाला। उसके बाद ले लेते हैं रेड चिली पाउडर एक चम्मच, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है। और अब इसको भून लेते हैं। तो लो फ्लेम पर भूनना है हमको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, तो मसाले हमारे जल जाएंगे, पानी भी नहीं डालना है। तो देखिए, मसाला तैयार हो गया। तो जो मैंने आलू बना के रखा था, तो चलिए अब आलू को डाल देते हैं इसमें। और ये सभी आलू मैंने डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और चलिए, अब इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा जब खटास आ जाती है ना स्टफिंग, तो अच्छी लगती है। तो चलिए, अब ले लेते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया भी हम डाल देते हैं और इसको हमने अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है। तो ये स्टफिंग हमारी बन करके फ्रेंड तैयार हो गई है। तो चलिए, अब इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। तो 10 मिनट इसको ठंडा होने रख देंगे, 10 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये 10 मिनट हो गए थे, तो हमारी मिर्ची भी तैयार है और स्टफिंग जो मैंने बनाई वो भी ठंडी हो गई है। तो चलिए, अब हम मिर्ची को भरना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से। तो देखिए, इस तरह से हम मिर्ची अच्छे से भर लेते हैं इसमें। तो एक मिर्ची मैंने स्टफिंग भर करके तैयार कर दी है फ्रेंड। तो देखिए, इसी तरह से सारी मिर्ची भर करके हमको तैयार करनी है। तो इधर मिर्ची हमारी सभी भर करके तैयार हो गए हैं। तो जितनी स्टफिंग मैंने बनाई थी सभी मिर्ची में भर गई है। तो चलिए, अब इसको हम करते हैं फ्राई। इधर मैंने पैन रख लिया गैस पे, इसमें डाल देते हैं ऑयल।
तो 3 से 4 चम्मच के लगभग हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन मिर्ची सोखती नहीं है, बाकी जितना होगा एक्स्ट्रा वो अलग हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें मिर्ची रख देते हैं। तो मिर्ची को हम पलट के रखेंगे, जिधर से हमने स्टफिंग भरी है, मिर्ची कटी है उधरी से हम रखेंगे, पहले उधर से फ्राई करेंगे, ताकि जो फ्लेवर तेल का है और फ्राई होगा तो अंदर तक मसाले में चला जाएगा ना, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, कवर करके इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे, फिर चेक करके देखेंगे। तो जब 3 मिनट हो गए थे तो चलिए अब इसको हम पलट देते हैं, नहीं एक तरफ से ज़्यादा फ्राई हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये हो गई है। अब इसको हम चारों तरफ सभी मिर्ची को फ्राई करके और पलट देते हैं इसी तरह से। तो ये मिर्ची सभी मैंने पलट दी है, तो देखिए मिर्ची एक तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो गई है, और दूसरी तरफ के लिए फिर से हम कवर कर देते हैं इसको। तो देखिए दूसरी तरफ भी थोड़ा सा फ्राई हो गई, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो अब देखेंगे दूसरी तरफ भी ये फ्राई हो गई है, तो इसको उलट पलट के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि चारों तरफ गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड ये मिर्ची हमारी बन करके तैयार हो गई। तो चारों तरफ मैंने उलट पलट के इसको सेंक लिया है। तो चलिए अब गैस को करते हैं ऑफ और इसको रखते हैं हम ठंडा होने के लिए। तो इधर मिर्ची ठंडी हो गई थी, मैंने प्लेट में निकाल ली, और थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, तो पनीर ग्रेट करके हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी। तो देख सकते हैं अब बहुत ही टेस्टी मिर्ची हमारी बनी है और बहुत ही यम्मी लगती है। इसको आप रख करके फ्रीज में खा सकते हैं। तो फ्रेंड इसको ट्राई ज़रूर करिएगा हमारी तरह से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस ही मिर्ची बन करके तैयार है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।